पाउस विंडोज अपडेट क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज अपडेट हमेशा सिक्योरिटी पैचेज के नाम पे या किसी भी उसमें रैनसमवेयर प्रोटेक्शन वायरस प्रोटेक्शन के नाम पे पैचेज रिलीज करता रहता है। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आपने विंडोज 10 को फुल्ली अपडेट करके रखें लेटेस्ट वर्जन पे। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो अपडेट करने के बाद नहीं काम करेगा या कोई प्रॉब्लम करेगा, तो उस केस में आप अपने अपडेट को पॉज कर सकते हैं, विंडोज 10 के अपडेट को थोड़े दिन के लिए रोक सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना है, गो टू सेटिंग्स, स्टार्ट, सेटिंग्स, अपडेट एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे। अपडेट एंड सिक्योरिटी पे यहाँ पे देखेंगे कि अपडेट अवेलेबल है मेरे में, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे तो आपका अपडेट डाउनलोड होने लगेगा और नीचे ऑप्शन आ रहा है कि पॉज अपडेट। पॉज अपडेट में नीचे आप देखेंगे तो एडवांस ऑप्शन आ रहा है, ये अपडेट आपको कितने दिन के लिए अपडेट करना है ये देखिए। जब आप नीचे क्लिक करेंगे तो आ रहा है कब तक के लिए, शेड्यूल कर सकते हैं कि आप जो हैं अपडेट कितने दिन के लिए पॉज करना चाहते हैं। ये देखिए नीचे है ये फीचर ऑफ द अपडेट न्यू कैपेबिलिटी इंप्रूवमेंट इन कैन बी डिफरेंट, सबके कंप्यूटर में अलग अलग हो सकता है ये यहाँ पे बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन का कि आप अपने कंप्यूटर में सेट कर सकते हैं कि किस टाइम पे मेरा जो है पीसी जो है अपडेट होगा। तो इस तरह से आप जो है अपने पीसी को अपडेट होने के लिए एक टाइम भी शेड्यूल कर सकते हैं, एक महीने में होना लिमिट दे सकते हैं कि कितना परसेंट होना चाहिए, कितना डाटा लेना चाहिए, कितना अपडेट होना चाहिए। यहाँ से देखिए आप रिसीव आपके पास अपडेट है उसको आप पॉज कर सकते हैं, डाउनलोड करना है उसको पॉज कर सकते हैं और नोटिफिकेशन में शो करेगा और कितने दिन के लिए कर सकते हैं। तो अगर आप विंडोज़ 10 में अपडेट से बार बार आप परेशान हो रहे हैं तो इस तरह से आप उसको मंथ वाइज या डे वाइज से आप उसे जो है उस अपडेट को पॉज कर सकते हैं और जब आप अपने मन से चाहेंगे तब आप उस अपडेट को स्टार्ट कर सकते हैं।